दूर उन गलियारों में दिखी एक रोशनी, बुझ रही थी या चल रही थी पता नहीं। आवाज लगाई मैंने, कौन हो तुम? तो बोला, मोक्ष की तैयारी में बैठा हूं गुमसुम। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। एक शिशु का समाज उसके परिवार से ही शुरू होता है। भारतीय संस्कृति में परिवार के हर सदस्य का एक अनूठा महत्व है। भावनाओं की डोर इस तरह बांधे रखती है कि सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। सभी अभिभावक अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चों की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। प्यार और स्नेह से उनका लालन पालन करके उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वो सभ्य समाज का हिस्सा बन सकें और एक सुखमय जीवन जी सकें। माता पिता के त्याग और स्नेह के कारण बच्चों का लगाव उम्र भर उनसे बना रहता है और इसका परिणाम बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। पर आज के बदलते परिवेश ने परिवार जैसी सशक्त अवधारणाओं की भी जड़ें हिला दी हैं। जीवन की कश्मकश ने उस डोर को बहुत कमजोर कर दिया है जो एक परिवार को बिखरने नहीं देती थी। इससे सबसे बड़ी क्षति पहुंची है बुढ़ापे की चौखट पे खड़े उन माँ बाप को जिनकी उम्र भर की पूंजी उनके बच्चों का साथ, उनका प्यार और सम्मान है। श्रवण कुमारों के इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिवार के होते हुए अपने जीवन के अंतिम दौर में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ये बुढ़ापा ही इनका सबसे बड़ा साथी है और दुश्मन भी। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन के सुनहरे पलों को जीने के बाद अब अपने निश्चित अंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्हें मरने से डर नहीं लगता, अगर डर लगता है तो जीने से। इन लोगों की बेबसी और लाचारी किसी भी व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देने के लिए पर्याप्त है और इन्हीं कष्टों ने एक व्यक्ति के मन को कुछ इस तरह छुआ कि उसने तय कर लिया कि वो अपने जीवन के ताने बाने को इन्हीं असहाय वृद्धों के आसपास बुनेगा।
के तब तड़का लगाते हैं। हमें कोई चीज पसंद नहीं है। ब्लड में प्रोटीन्स की कमी हमको बहुत पसंद है। घर परिवार कहाँ? शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, हाथ से छूटे घर जैसा एक घर निकला है। बोलती खिड़की हंसते दरवाजे से छन कर, बोलती खिड़की हंसते दरवाजे से छन कर, आती आवाजों पर फिर से दम निकला है। शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, हमसे पूछ रहे थे कमरे बाबूजी हम छोटे पड़ गए, जिस छत पर दुनिया थी रोकी वो भी बेगाना निकला है। हमसे पूछ रहे थे कमरे बाबूजी हम छोटे पड़ गए, जिस छत पर दुनिया थी रोकी वो भी बेगाना निकला है। शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, सारी शहर अपनों के हक में हमने मात संभाले रखा, जब बैठे पढ़ने हम रिश्ते खेल में भी चौसर निकला है। सारी शहर अपनों के हक में हमने मात संभाले रखा, जब बैठे पढ़ने हम रिश्ते खेल में भी चौसर निकला है। शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, हमने हंसी समेटे रखी करवट सिलवट लेटे रखी, इस तन्हाई के आलम में हर मंजर तन्हा निकला है। हमने हंसी समेटे रखी करवट सिलवट लेटे रखी, इस तन्हाई के आलम में हर मंजर तन्हा निकला है। शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है।
डॉक्टर शुक्ला। लखनऊ में जन्मे डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने मॉस्को से एमडी मेडिसिन पूरा किया। तत्पश्चात इंग्लैंड से पैलिएटिव मेडिसिन में विशेष प्रशिक्षण हासिल किया। इसी के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने जीरियाट्रिक मेडिसिन में पीजी डिप्लोमा किया। डॉक्टर शुक्ला को वर्ष 2010 में पैलिएटिव मेडिसिन में उल्लेखनीय कार्य के लिए कॉमनवेल्थ फेलोशिप प्रदान की गई है। वर्ष 2003 में केवल 28 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था की शारीरिक और मानसिक पंगुता के निवारण के लिए उन्होंने आस्था की स्थापना की। आस्था हॉस्पिस अपने आप में एक अनोखी पहल है। यह उत्तर प्रदेश का पहला और इकलौता पैलिएटिव केयर और जीरियाट्रिक हॉस्पिटल है। Geriatrics is the terminology or the word used for those who are 60 years and above. And similarly, gerontology is the science which deals with the problems of old age. And geriatrics is the branch of medicine which is dealing with the medical problems of the old age. While I was studying my plus 2 and 10th and in my childhood, I could appreciate that the old people of this country are in very much pain. And there are no specialized facilities existing for the elderly in our country. ये देश के उन चुनिंदा संस्थानों में से है जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी केवल एक हॉस्पिटल बेड और डॉक्टर शुक्ला के असीम आत्मविश्वास के साथ। See, anything you do, you have to face a lot of problems. And as geriatric was very new, so the biggest problem that I faced is that I would like to share that we conducted a survey. And mind it, that survey was conducted to only on postgraduate doctors and the professors of medical colleges. And we did a survey where we asked few questions. Our questions were that are they recommending these geriatric, palliative and terminal care facilities to their patients? Do they know what is hospice? Do they know what is palliative care? Do they know what is geriatrics? You would be surprised to know that just 10% of postgraduate doctors told that yes, they know about these services. And out of those 10%, only 4% were those doctors who were recommending those facilities to their patients. ये उनके संकल्पों का ही परिणाम है कि आज आस्था एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में संगठित हो चुका है। आज न जाने कितने ही परिवारों की आस्था आस्था परिवार में है। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं और चाहकर भी अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप या रिश्तेदारों की देखभाल नहीं कर सकते, पर ये लोग संतुष्ट हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी गैर हाजिरी में इनके परिवारजन किसी कष्ट में नहीं हैं। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर मुनासिब कदम उठाया जा रहा है। यहां के मरीजों का मानना है कि आस्था उनका दूसरा घर है। स्टाफ का एक एक व्यक्ति इनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। मुझे फेथ है डॉक्टर अभिषेक शुक्ला पे। काबिलियत एक अलग चीज़ है और एक आदमी की इंसानियत एक अलग चीज़ है। उनके अंदर जो इंसानियत भरी है वो मैंने पहचाना। आप बताइए अब क्या खाएंगे आप? जो आप खिलाएंगे। स्टाफ और मरीजों के बीच आत्मीयता का रिश्ता कायम हो गया है। कोई परेशानी होती है, ये होता है कि नया मरीज जब आता तो थोड़ा सा उसको डील करने में कुछ एक दिन दो दिन समय लगता है, मगर वैसे कोई परेशानी नहीं होती। अगर बुजुर्गों की सेवा करोगे तो यही लगेगा कि हाँ अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तभी कर पाएंगे। अगर कोई ऐसे सोचेगा कि हम जो है नहीं ये मेरे घर के नहीं है तो ऐसा कोई भी नहीं फिर मरीज के साथ कर पाएगा। Thank you.
और हम लोग भी सब सेटिस्फाई हैं यहाँ से और ये खुद बहुत खुश हैं यहाँ पर। यहाँ पूरी केयर रखी जाती है, देखा तो हमने बहुत सफाई भी है और ये सबसे बढ़ के ये खुद बहुत खुश हैं। तो आस्था की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, यहाँ के लोग अपने कार्यों को परमार्थ के रूप में करते हैं। धन के लोभ में इस कार्य को करना संभव भी नहीं, इसके लिए तो आंतरिक इच्छा शक्ति और वृद्धों के प्रति सहिष्णुता का भाव चाहिए। अंकल आपने जो भी बुजुर्ग मरीज हमारे पास आते हैं उनको घर वाले जब नहीं समझ पाते तब वो किसी के ऐसे आदमी की मदद चाहिए होती है उनको जो उनको समझे, तब वो आस्था में लाके एडमिट करते हैं। और मरीज जो ओल्ड एज का होता है उसकी मेन समस्या ये होती है उसको समझने वाला कोई नहीं होता, तो उसको समझेंगे जैसे माँ होती है बच्चे को कब क्या चाहिए वो समझती है, उसी तरह हम लोग को ये समझना होता है कि ये बुजुर्ग आदमी इस समय क्या चाहता है। अगर वो अपनी हमारी जरा सी बात से उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो उसको प्यार देने में उससे प्यार मिलने में बड़ा अच्छा लगता है कि उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हम किसी को खुश तो कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद यही वो स्तंभ हैं जो आस्था को हिम्मत और मजबूती प्रदान करते हैं। अंदर कर लिए, दांत में दिक्कत है, नया दांत बनवाना चाहते हैं, हाँ डेंचर बनवाना चाहते हैं, हाँ चबा नहीं पाते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दूसरा वाला भी, ये वाला भी, ठीक है नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, ठीक है बाबूजी, बाबूजी ये जाड़ा लग रहा है, दीदी कैसी हो? ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, इसे जितना ही समझा उतना ही मचलता है, ताता तेरे चरणों रग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ तकदीर बदल जाए। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, शुक्ला जी हमारे हजार बरस उनकी उम्र हो, बहुत लायक हमें नानी करके मानते, हमने वचन दिया था कि छह नाती हमारे यहाँ साथ में आओ। आस्था इन मरीजों की मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। बढ़ती उम्र और उसके साथ लगने वाली बीमारियों ने इनके शरीर की सीमाएं तय कर दी हैं। ऐसे में एक मेडिकली ट्रेन्ड प्रोफेशनल की देखरेख इनके लिए बहुत जरूरी है। अभी आएगा, बस थोड़ी देर में आएगा, आस्था हॉस्पिटल में हर तरीके के पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं। अब ये हमारे एक पेशेंट है मिस्टर के एन कौशल, ये हमारे यहाँ 22 मई को यहाँ एडमिट हुए हैं। इनको GBM है जो ब्रेन में ट्यूमर होता है, ये जब से हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं इनको ये अनकॉन्शियस हैं। इनको हमें हर तरीके की सुविधा देनी पड़ती है कि पेशेंट को बेड सोर ना हो, पेशेंट को हमने बेड पे एयर मेट्रेस पे ले रखा है जिससे इनको हर दो दो घंटे बाद हम की करवट कराते हैं, राइस टू फीडिंग कराते हैं। जीरियाट्रिक मेडिकल केयर एज ए सब स्पेशलिटी टू इंटरनल मेडिसिन और ए सुपर स्पेशलिटी टू इंटरनल मेडिसिन हैज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया। इफ देर इज अ पेशेंट हु एज यू से फेल्स टू ऑल दीज थ्री मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट,
In cancer, we often employ multimodality treatment, sequential multimodality treatment, one after another. Yet, if we are pushed against the wall and all what we have in our arsenal, all our armamentarium is exhausted and nothing is working, then of course we resort to what is known as a palliative care. And the palliative care in cancer really means that you have to make the patient symptom-free. And the most distressing symptom is pain. यहाँ के नवीनतम संसाधनों और सेवाओं की बदौलत मरीजों की हर जरूरत पूरी होती है। आस्था right now is providing several services. The our basic service with which we started is a health membership that we are giving to senior citizens, which anybody can avail just by paying 3 rupees 30 paisa per day, which comes to 100 rupees a month. By paying this money, that elderly is secured. He gets a type of medical insurance. He gets an access to 2 free medical helplines. He gets an access to medical OPD, several other facilities like need at the time of emergency. He gets an ambulance facility, and we don't charge anything for any of these things to those who are our members. Then if a member is hospitalized, then he has to pay subsidized user charges. आस्था का एक सफल प्रयोग रहा उसकी आउटरीच की सेवा। तकरीबन 150 परिवार आज इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इस सेवा के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार एक जानकार और जिम्मेदार आस्था कर्मचारी मरीज के घर में ही उसकी देखभाल के लिए हर समय उपस्थित रहता है। So here we were getting several inquiries that many patients in elderly age group who suffered with acute medical illnesses like stroke, fracture, they were treated at some big hospitals like SGPGI or medical college or several other private hospitals. But when they were discharged home, they were still not in a position when they can perform their activities of daily living on their own, like going to the toilet and doing their own needs. So the need arose that they wanted a caregiver who would compensate the job what their children would have done for them. So that is how we created this facility called outreach facility, where we train this staff and we depute this staff to the diseased person till the time they want that facility. इस तरह से मरीज अपने परिवार के प्यार से भी वंचित नहीं रहते और उनकी सही देखरेख भी हो जाती है, क्योंकि मरीज की हर छोटी बड़ी जरूरत आउटरीच कर्मचारी की ही जिम्मेदारी बन जाती है। तो हम तो लाचार अपने काम को ही हैं, इनको उठाना बिठाना हमारे बस का ही नहीं रहा। तो वो जो हमारे लिए समझ लिए इतना दुखदाई था एक माँ के लिए, जिस बच्चे को हमने सब कुछ अपने हाथ से किया और हम आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी जगह ये बिल्कुल समझिए माँ की जैसी मिल गई। अक्सर ये देखा गया है कि कर्मचारी और मरीज के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो जाता है। ये रिश्ता ही तो है जो इन दोनों के बीच के अच्छे तालमेल का कारण है। आपको पहचानते हैं? हाँ जी, हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। आंटी चली भी जाए कहीं तो हमारे सारे छोड़े हम रख लेंगे। हाँ, हमसे बहुत घुल मिल गए हैं। अगर जो छुट्टी हो जाती है, बीमार मार पड़ गए, तो फिर वहाँ आस्था से दूसरी भरकर आ जाती है। La 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 la. Shaam वृद्धावस्था में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की कुशलता ही जरूरी नहीं, यह जीवन का वो पड़ाव है जिसमें मानसिक पंगुता सबसे ज्यादा घर करती है। At this age, please.
गॉड फॉरगिव, भगवान आपको ये कष्ट ना दे। बस दादू दिल से जवान होते हैं ना। अरे वो दिल तो खत्म हो गया। अरे तो बढ़िया था। I am 83। तो क्या हुआ दादू? दादू इसको ना इसके बाल बहुत झड़ते हैं, इसको प्लीज बताइए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फोटो खींचे। ऑल द बेस्ट। हाइपोप्रोटीनेमिया होने से बाल झड़ते हैं। ये होता क्या दादू? ब्लड में प्रोटीन्स की कमी। इलाज? अंडे। हल्के फुल्के पल अपने अकेलेपन से लड़ने की हिम्मत देते हैं। मरीजों का मनोरंजन करते ये युवा आस्था के कार्यों से प्रोत्साहित होकर उनके मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। चेहरों की ये मुस्कुराहट और आंखों में ये संतोष इन युवाओं के लिए किसी भी पुरस्कार से बढ़कर है। यहाँ पे आप अगर लोगों से बात करें, दे हैव ओशन ऑफ नॉलेज। देयर इज वन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देयर इज अ प्रोफेसर फ्रॉम हिंदू यूनिवर्सिटी, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, जो बहुत देर नहीं बैठ पाए। दे हैव ओशन ऑफ नॉलेज। और हम कितने रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, भटकते फिरते हैं चीजों के लिए। ये अवस्था, ये समय सबके जीवन में आता है। कुछ यादें, कुछ पल वो खुशी दे जाते हैं जो बेशुमार दौलत भी नहीं खरीद सकती। दौलत और शान और शौकत इनके लिए वो मायने नहीं रखती जितना कि दो मीठे बोल और थोड़ा सा अपनापन। So my objective is to create an institution in my lifetime, which may be say a 1,000-bedded institute or maybe a bigger institute, where right from the smallest thing that an old man may require, that may be his janeu or that may be a mala for him or that may be a wheelchair or a walker for him, to the highest quality of medical care, that may be an organ transplant, cardiac transplant, renal transplant, liver transplant. So an institution where if somebody comes, he can thrive for the best facility of the world that is existent on the earth, to provide such a facility to the senior citizens of our country, this is what I dream. और मेरा यही मकसद है, यही इस पिक्चर का भी मकसद है कि हम सब मिल करके मजबूत भारत बनाने यही हमारा धर्म है। आखिर मानव जीवन की जड़ें प्यार और विश्वास पर ही टिकी हैं। इसी प्यार और विश्वास का दूसरा नाम है आस्था। शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, शाम हुई ये कैसा मंजर निकला है, हाथ से छूटे घर जैसा एक घर निकला है। बोलती खिड़की हंसते दरवाजे से छन कर, बोलती खिड़की हंसते दरवाजे से छन कर, आती आवाजों पर फिर से दम निकला है।